देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। पूर्णिया बनमनखी अनुमंडल के लादूगढ़ पंचायत के वार्ड नंबर 14 के वार्ड सदस्य अखिलेश यादव पिता विवेकानंद यादव को अपराधियों ने किया घायल। अनंतवरण में बनमनखी अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। वहीं लादूगढ़ पंचायत के मुखिया पति ने बताया कि गोली मारने वाला गांव का युवक गौतम कुमार यादव पिता मणि भूषण यादव पंचायत लादूगढ़ वार्ड नंबर 15 के निवासी हैं एवं यह दुश्मनी 7 वर्ष पुरानी है। हमको पहले तो धमकी दी, जब हम अपने दरवाजे के सामने आए एक बाइक पर 2 व्यक्ति तथा प्रीत ने एक व्यक्ति को पहचान लिया जिनका नाम गौतम कुमार यादव पिता मणि भूषण यादव घायल के माता द्वारा जानकी नगर थाने में आवेदन दिया गया। पुणे से मोहम्मद हफीज की रिपोर्ट, प्राइमिटी न्यूज। पिस्टल के बर्स को जो मारा था वो आदमी है कौन? गौतम कुमार यादव। उसका घर कहाँ पड़ता है? वार्ड नंबर 15 लादूगढ़। पंचायत? पंचायत लादूगढ़। वही दुश्मनी था? हाँ, उसके साथ में एक अनजान व्यक्ति विकास को नहीं पहचान पाए, अपाची गाड़ी से आया था। गाड़ी का नंबर कितना था? गाड़ी का नंबर कभी नहीं लिख के रखता है गाड़ी पे, उसने सादा प्लेट पे चलता है सब दिन। कितना दिन पुराना गाड़ी है उसका? उसका गाड़ी मोटा मोटी 3-4 साल पुराना है। कलर कौन सा है गाड़ी का? गाड़ी का मैरून कलर है। कितना सीसी का गाड़ी है? 160 सीसी का गाड़ी है। 3 साल पुराना है? 3 साल पुराना है, आज तक उसमें नंबर प्लेट नहीं लगाया हुआ। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम अखिलेश कुमार यादव, ग्राम पोस्ट लादूगढ़, थाना जानकीनगर, जिला पूर्णिया। चलिए हम यहाँ का और कुछ लोगों से बात करते हैं कि मामला क्या है। आपका परिचय क्या हुआ? हमारा घर हुआ काझा बनिया पट्टी के नगर प्रखंड, उनके रिश्तेदार हुए। हम लोग भेंट करने के मकसद से आए, सुने कि ऐसे ऐसे मैटर हुआ है। नहीं, ये जो घटना बता दे रहा है, क्या घटना है, सच में है क्या घटना? तो देख रहे हैं हम लोग, सच्चाई यही है। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम रंजन कुमार रंजन हुआ, ग्राम पोस्ट ततराही, पंचायत लादूगढ़ का स्थायी निवासी हूँ। मैं भी हॉस्पिटल में जो है ऐसे काम करते हैं, दवाई का कुरियर का काम, दवाई ले जाता आता हूँ। ठीक है, इस लोग से जान पहचान है। ठीक है, तो हम लोग को हॉस्पिटल आए तो पता चला ऐसे ऐसे की घटना हुई है, यही घटना देखने यहाँ पर आए। ये घटना सच है ना? ये जो बताया रहा है, जो 2 साल पहले का दुश्मनी था, 7 साल पहले का दुश्मनी, वो दुश्मनी हकीकत है ना? हाँ, ये बात हम लोग को पंचायत में रह रहे हैं तो ये घटना बिल्कुल सच था कि वो लोग गाड़ी लेके जो भाग रहे थे, ठीक है, तो इन लोग को है उस बदमाश को रपेटा था। ठीक है, उस रपटने के क्रम में जो है वो आगे चला गया, इसीलिए वो मार खा गया, पीछे पड़ गया था तो इन पर भी गोली चलाया था। तो गोली जो चलाया था तो सिर के ऊपर होकर के गोली जो बहका तो उनका जान जो है बच गया, लेकिन ये लोग भी वहाँ पूर्णिया हॉस्पिटलाइज में ये लोग गए थे। ठीक है, लेकिन एक